राम मंदिर बनने से दलितों पिछड़ों को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। दलित और पिछड़ों के लिए क्या फायदा है? मंदिर बन जाने से जन्म गरीबों को भोजन थोड़े मिलेगी। फैक्ट्री कल कारखाना अगर लगते तो जन्म उसके लिए भोजन भी मिलती, नौकरी मिलती, उससे क्या मिलेगा? पहले की सरकार जन्म को मूर्ख थोड़ी थी, जन्म के ताला मरवाई थी, उसे हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। उसमें जन्म हम लोग महंत थोड़ी बनेंगे, कार्यकर्ता थोड़ी बनेंगे, ट्रस्ट के मालिक थोड़ी बनेंगे। उसमें बीजेपी का फायदा होगा, उस सम्भव बड़े लोगों का फायदा होगा, साधु महात्माओं का फायदा होगा। अच्छा बांटने में दलित और पिछड़े नहीं लगे पड़े हैं? वो पड़े हैं तो जन्म उसने कोई कोई है जो बीजेपी माइंडेड है। हम लोगों को तो नहीं कोई फायदा दिख रहा है। अब होगा कि जब हम लोगों के क्षेत्र में कल कारखाने बैठाए जाएंगे, रोजी रोजगार मिलेगा, इससे फायदा होगा। ऐसे कुछ नहीं फायदा होने वाला है मंदिर से। जब मुस्लिम समाज में के जो मंदिर नहीं जाते हैं तो उन लोगों का खाते नहीं है, ईसाई नहीं जाते हैं तो लोग जीते नहीं हैं, सिख नहीं जाता है, अदर जाते हैं तो जो हम भी मंदिर जाते हैं तो मंदिर जन्म के जाने से मुझे भोजन नहीं मिलेगी, कर्म करने से भोजन मिलेगी, नौकरी जन्म के मिलेगा तो भोजन मिलेगी। मंदिर से जन्म कोई हम लोगों को फायदा नहीं होने वाला है। साधु महात्माओं का फायदा होगा कि चढ़ावा मिलेगा, तो जोगी बाबा साधु हैं उनका फायदा हो सकता है, छोटे लोगों का कोई फायदा नहीं है।